सबके मन में एक ही डाउट रहता है, क्या हमको OLX से मोबाइल खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों मैं ये वीडियो आज पूरे डिटेल्स में आप लोग के लिए बना रहा हूँ। मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप लोग को कौन सा मोबाइल OLX से खरीदना चाहिए या फिर कौन सा मोबाइल आप लोग को OLX से नहीं खरीदना चाहिए। तो फ्रेंड आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो फ्रेंड चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप फ्रेंड ध्यान रखें, जब भी आप मोबाइल परचेज करें OLX से, सबसे पहला नंबर में आप देखें कहीं हुए ऐड फेक तो नहीं है। मैं इसलिए आप लोग को बोल रहा हूँ कि उसका शिकार बहुत सारे आदमी बन चुके हैं। वे तो पेमेंट तो कर देते हैं पर उनको मोबाइल मिलता नहीं है, सस्ता के चक्कर में भैया, वो भी बहुत ही सस्ता के चक्कर में। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए फ्रेंड, अभी ट्रेंडिंग में कौन चल रहा है 10 से 15 हज़ार के बीच में, वो भी बढ़िया मोबाइल, जाहिर सी बात है रेडमी का नोट 8 प्रो। बहुत सारे जगह में OLX पे आप लोग को पता लगा होगा या फिर आप देखे होंगे कि भैया 7 से 8 हज़ार में वह मोबाइल बेच रहा है, जो भी उसका सेलर है उससे आप जब भी बात करेंगे और बार्गेनिंग की बात करेंगे तो वे एक ही सवाल बोलेंगे, ठीक है आप ले लीजिए, 1-2 हज़ार भी कम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वे आपसे नंबर लेंगे, कॉल करेंगे, बोलेंगे हेलो मैं तो आर्मी से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर तो हूँ नहीं, मैं आपको कुरियर मोबाइल कर दूंगा, उससे पहले आप हमको पेमेंट दे दीजिए, कुछ पेमेंट दे दीजिए या हाफ पेमेंट दे दीजिए, आपका मोबाइल हम डिलीवर कर देंगे, डिपेंड आप पे है कि आप पेमेंट देते हैं या फिर नहीं देते हैं। तो भैया मैं आप लोग को बोलूँगा वैसा गलती आप लोग नहीं करें। हाँ ये ज़्यादातर कौन आदमी होते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों ये सबसे पहले ये फ्रॉड वाले आदमी होते हैं, ये लोग OLX पे बैठे ही इसीलिए है इंडियन आर्मी के नाम से, ये लोग तो इंडियन आर्मी को ही बदनाम कर रहे हैं। आपको सबसे पहले ये लोग पेमेंट मांगेंगे, तो भैया आप लोग को पेमेंट बिल्कुल भी नहीं देना है। तो सबसे पहले दोस्तों ये हो गया हमारा टर्म एंड कंडीशन। तो दूसरा टर्म एंड कंडीशन की बात करें तो दोस्तों मान लीजिए आप कोई मोबाइल देखे आपको पसंद आ गया, तो फ्रेंड आप सबसे पहले उस सेलर से मिलिए, मोबाइल का कंडीशन देखिए, तभी भी आप मोबाइल लीजिए, इस तरह आप मोबाइल ना लीजिए। उस चोरी का माल नहीं होना चाहिए, पेपर देख के मोबाइल लीजिए और कोशिश करिए कि वे अंडर वारंटी हो तो काफ़ी अच्छा होगा, नहीं तो फ्रेंड आप मत लीजिए, मेरा बात मानिए, क्योंकि आपको बाद में बहुत ही नुकसान झेलना पड़ेगा। आप लोग को कुछ दिन मोबाइल चलाइएगा तो आप लोग को पता लगेगा कि हमारा ये ख़राब हो गया, स्पीकर, बैटरी प्रॉब्लम, सारा प्रॉब्लम, और आपको कुछ 1-2 हज़ार मिला के न्यू फोन का मतलब ऑफर मिल रहा है कि 1-2 हज़ार और मिला लें ओल्ड फोन के बदले, तो आप लोग न्यू फोन ही रिकमेंड मैं करता हूँ। तो दोस्तों मैं एक बार फिर आपको टर्म एंड कंडीशन बता दूँ, आप लोग को मोबाइल खरीदने से पहले क्या देखना चाहिए OLX से। तो सबसे पहले हमारा दोस्तों आता है कि आपको फेक ऐड से दूर रहना होगा, कैसे दूर रहना होगा मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ। दूसरा नंबर में हमारा आता है फ्रेंड आपको पेमेंट पहले नहीं करना चाहिए, सेलर से ही मिलके पेमेंट करना चाहिए। तीसरा नंबर में हमारा आता है दोस्तों जैसे कि मैंने डुप्लीकेट आईफोन से दूर रहना चाहिए, सेलर उसका प्राइस बहुत ही कम रखेंगे, मतलब वे फेक सेलर ही होते हैं 100% गारंटी के साथ मैं ये कह रहा हूँ। तो दोस्तों चौथा नंबर में हमारा आता है दोस्तों मोबाइल का पेपर वर्क, अंडर वारंटी है या नहीं, या फिर अंडर वारंटी नहीं है तो चलेगा लेकिन वो मोबाइल कंडीशन में है क्या नहीं, नहीं तो बाद में आपको पता चलेगा इस मोबाइल का ये चीज़ खराब हो गया। तो दोस्तों मैं जो बताया इस वीडियो में आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड आज का वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए फ्रेंड जय हिंद, वंदे मातरम।